गाइस, अगर आप उन लोगों में से हो जो कि वीडियो का स्किप करके देखते हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिए, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। तो गाइस, मैं उन लोगों के लिए वीडियो लाया हूं जो कि अपना फ़ोन को रूट करना चाहते हैं। तो गाइस, अगर आपके अपने फ़ोन को रूट करने के लिए 10 मिनट नहीं है तो आप इस वीडियो को मत देखिए। तो गाइस, इस वीडियो को मैं आपको थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 5 मिनट में आप इस वीडियो से अपने फ़ोन को रूट करना सीख जाएंगे, कैसे अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं बिना कोई लैपटॉप, बिना किसी पीसी के। यहाँ से मैं प्ले दिखाता हूँ अपने रूट चेकर एप्लीकेशन से इस फ़ोन को रूट चेक करके कि मेरा फ़ोन रूट है या नहीं है। तो गाइस, यहाँ से आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आप अपने फ़ोन को रूट कर लीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो यहाँ देखिए, मैं करता हूँ वेरीफाई रूट पे क्लिक। तो गाइस, वेरीफाई रूट पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका फ़ोन रूट है या अनरूट है। तो गाइस, आप में से बहुत लोग वीडियो को स्किप कर देखते हैं जिसके कारण कि उसके फ़ोन में कुछ एरर आता है, वो अपने फ़ोन को रूट नहीं कर पाते। यहाँ देखिए, मेरा फ़ोन अभी रूट नहीं है। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फ़ोन को जो है बिना कोई लैपटॉप, बिना किसी पीसी के मतलब रूट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको अपने फ़ोन का सिर्फ फास्ट बूट रोम को मतलब डाउनलोड करना होगा, जो कि जिस फ़ोन को आप रूट करना चाहते हैं। तो गाइस, आप अपने फ़ोन के हिसाब से अपने फ़ोन का फास्ट बूट रोम गूगल चाहे क्रोम पर जाकर सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने फ़ोन का फास्ट बूट रोम पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ अपने फास्ट मतलब फाइल में जाके मेरा फास्ट बूट रोम आपको कैसे देखने को मिलता है। तो गाइस, फास्ट बूट रोम को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिसमें कि आपका बूट इमेज रहता है, जिससे कि आपका फ़ोन रूट हो जाएगा। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हो। तो यहाँ देखते हैं, मेरा फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देखते हैं मेरा बूट इमेज यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस, आपको इसी बूट इमेज को अपने मैसेज मैनेजर एप्लीकेशन के द्वारा फ्लैश करना है, ठीक है। आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करना जो कि मैसेज मैनेजर का है, आपको इसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, आपको उसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो अप करना है। इस पर क्लिक, जो आपको दिखाई दे रहा है इंस्टॉल का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको नेक्स्ट पे करना है क्लिक और आपको जो यहाँ पर आपको एक मिलेगा पेज ए फाइल का ऑप्शन, आपको करना है इस पर क्लिक। आपको करना है सिलेक्ट ए पेज फाइल पर क्लिक, उसके बाद आपको फाइल वगैरह इस तरह से ओपन होगा। आपको जाना है अपने इंटरनल स्टोरेज पर, आपको कर देना है शो इंटरनल स्टोरेज, यहाँ से पहले कर देना है। उसके बाद जो आपको 3D आपको दिखाई दे रहा है, आपको करना है इस पर क्लिक। उसके बाद आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, आपको अपने फाइल मैनेजर में चल जाना है। तो गाइस, अपने मैं फाइल मैनेजर में पहले जाता हूँ, फाइल मैनेजर मुझे देखने को मिला है। सो गाइस, उसके बाद मैं अपना जो है एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल यहाँ पर मुझे देखने को मिला है, जो कि फास्ट बूट रोम का था, उसमें मेरा बूट इमेज है। तो उसी बूट इमेज का करना है आपको सिलेक्ट और फिर आपको कर देना है ओके पे क्लिक। क्लियर करने के बाद ओके पे क्लिक करने के बाद आपको कर देना है लेस्ट गो पे क्लिक। आपको यहाँ दिखा दे लेस्ट गो का ऑप्शन करना है, इस पे क्लिक। तो ऐसे में आपका फाइल जो फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, आप अपने मतलब फास्ट बूट रोम को कैसे एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, अगर आप नहीं जानते तो आपको मेरा पिछला वीडियो में मैंने बताया था कैसे आप अपने फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ से फ्लैशिंग होने के बाद आपको एक और फाइल देखने को मिलेगा, जो कि डाउनलोड के फोल्डर में जाकर आपको सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से ऑल डन हो चुका है, आपको मैं दिखाता हूँ मेरा जो मतलब फाइल में जाकर डाउनलोड के फोल्डर में। सो गाइस, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको डाउनलोड के फोल्डर में एक और फाइल देखने को मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके तहत मेरा पेज फाइल आपको मिलेगा, मैं इस मैनेजर का पेज फाइल है। आपको इसी मतलब पेज फाइल को दूसरे फ़ोन में करना है सेव, इसको मतलब कॉपी कर लेंगे, सेंड कर लेंगे व्हाट्सअप या किसी के थ्रू इस फ़ोन में, दूसरे फ़ोन में, जिससे फ़ोन से कि आप अपने फ़ोन को रूट कीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सअप के थ्रू मतलब इसमें सेंड किया हूँ और यहाँ से मतलब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपने मतलब इस फाइल को आपको करना है फ्लैश आप दूसरे फ़ोन में, जो आपने पेज किया था फाइल मैनेजर मैनेजर का, आपको इसी पेज फाइल को करना है इस फ़ोन से इस फ़ोन में मतलब करना है ट्रांसफ़र बूट इमेज के थ्रू, तो ये आपका फ़ोन जो है रूट हो जाएगा। तो ऐसे मैं आपको अपने फ़ोन में दूसरे फ़ोन में आपको करना है एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल, जो कि बग जेकर एप्लीकेशन है। आपको इस एप्लीकेशन को मतलब ये दूसरे फ़ोन में करना है इंस्टॉल, उसके बाद आपको इस फ़ोन में कुछ सेटिंग वगैरह कर लेना है। आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में, उससे पहले आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में, उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आने के बाद आपको USB डीबगिंग को कर देना है अनेबल, आपको जो अगर ऑफ रहता है तो आपको करना है इसको अनेबल। और आपका मतलब जिस फ़ोन को रूट करना चाहते हैं उस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। मैं आपको ये बोलना भूल गया था, आपको मतलब दूसरे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए जिस फ़ोन को आप रूट करेंगे। इसमें कर देंगे आप एग्री पे क्लिक, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन से अपने फ़ोन को रूट कर लीजिएगा बग जेकर एप्लीकेशन से। अब आपको इस फ़ोन में जो मैंने जिस फ़ोन में बग जेकर एप्लीकेशन मतलब डाउनलोड किया है, अब उस फ़ोन को आपको पहले मतलब इस फ़ोन में कुछ केबल वगैरह को मतलब कनेक्ट कर लेना है। आपको केबल लेना है एक जो कि पेन ड्राइव है, आपको इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कर लेना है कनेक्ट। कनेक्ट करने से क्या होगा, ये जो दूसरा फ़ोन मेरा है जिस फ़ोन से मैं अपने फ़ोन को रूट करूँगा, वो आपको कंप्यूटर की तरह काम करेगा। यहाँ से आपको जो है इस फ़ोन को कर लेना है कनेक्ट और आपको दूसरे जिस फ़ोन को आप रूट कीजिएगा उस फ़ोन को आपको फास्ट बूट मोड में ओपन कर देना है। उसके बाद आपको इसी फ़ोन से मतलब रूट करना है दूसरे फ़ोन से, जिस फ़ोन में आप बग जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। तो यहाँ से आपको लास्ट में जाना है स्वाइप अप करके, जाने के बाद आपको करना है इस पर क्लिक, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे मेरा मतलब फ़ोन आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको फिर से मतलब केबल वगैरह को लगाना है। उसके बाद देखें अभी कनेक्ट हो चुका है मेरे फ़ोन में, देखिए आपको करना है इस पर क्लिक। क्लिक करना कर देना है आपको ओके पे क्लिक। अभी देखें कनेक्टिंग हो चुका है, आपको करना है इस फ़ोन में इस पर कर देना क्लिक। उसके बाद आपको एक इस फ़ोन को करना है आप
फास्ट बूट मोड में ओपन। उसके लिए पहले आप इस फोन को पहले कर दीजिए पावर ऑफ, उसके बाद आपको वॉल्यूम डन बटन को और पावर बटन को दोनों को लॉन्ग प्रेस कर रखना, जिससे कि आपका फास्ट बूट मोड ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, वीडियो को आप स्किप करके मत ही देखिए, तो आपको लिए ठीक होगा। आपका फोन में कुछ मिलते तो एरर हो जाएगा। फिर से आपको करना है इस पर क्लिक, आपको करना है ओके पे क्लिक। तो इसका पूरा काम खत्म हो चुका है। अब आपको करना है इस पर क्लिक, आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर करना है क्लिक गोल वाले बटन पर। तो वैसे इसके बाद आपको करना है आई एम डोंट एग्री पे क्लिक, इसके बाद कर देना है इस पर क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ से कमांड रन करना है, जो कि पहला कमांड है फास्ट बूट डिवाइसेस, जिससे कि आपका चेक होगा कि आपका फ़ोन मतलब कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। आपको करना है फास्ट बूट डिवाइसेस आपको टाइप करना है पहले में। तो वैसे आपको मैं बता रहा हूँ, वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो आपका फ़ोन रूट नहीं हो पाता है। तो यहाँ से आपको करना है एंटर पे क्लिक, फास्ट बूट डिवाइस टाइप करना है। मेरा फ़ोन अभी रूट मतलब कनेक्ट हो चुका है दूसरे फ़ोन से। अब आपको जो है और कमांड को टाइप करना है, जो फास्ट बूट फ्लैश बूट, आपको फास्ट बूट फ्लैश। उसके बाद आपको मैजिक मेजर का पेज फॉलो करना है सिलेक्ट। तो उसके लिए आपको करना है इस पर क्लिक, उसके बाद करना है आपको अलाओ पे क्लिक। तो कैसे मैंने वीडियो में थोड़ा मेरा फोन थोड़ा ऊपर हो गया था, इसलिए मैंने आपको मतलब फोटो के थ्रू दिखा दिया। उसके बाद आपको अपना जो डिवाइस में जाना है, तो उसके लिए आपको जाना अपने फाइल मेजर में। उसके बाद आपको जाना है आपको यहाँ से रेडमी नोट का, आपको पहले करना है शो इंटरनल स्टोरेज। तो वैसे आपको करना है शो इंटरनल स्टोरेज, यहाँ से आपको उसके बाद जाना है थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर, आपको जो दिखाई देता है। उसके बाद आपको रेडमी नोट का मतलब डिवाइस मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है अपने मैंने मतलब पेज फाइल मेरा जो व्हाट्सअप में था, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ उसको पहले यहाँ से ला के। से मैंने व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट्स में मेरा फाइल आ चुका है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसको पहले ओपन करके। यहाँ से करेंगे इसको सिलेक्ट, उसके बाद इसको करेंगे सिलेक्ट, उसके बाद करना है आपको एंटर पे क्लिक। तो गाइस इस तरह से आप अपने फ़ोन को रूट कर लीजिएगा बिल्कुल ही आसानी तरीके से, बिना कोई प्रॉब्लम के। तो गाइस आप में से बहुत लोग पहले कमेंट करते भाई कैसे अपने फ़ोन को रूट करेगा बिना कोई लैपटॉप बिना किसी पीसी के। तो ऐसा देर मेरा फ़ोन में मतलब हो चुका है यहाँ से मैजिक मैनेजर का फाइल यहाँ पेज। उसके बाद आपको कुछ इतना का मतलब प्रोसेस मतलब शुरू हो जाएगा, मतलब पेज करने के बाद सेंडिंग बूट, राइटिंग बूट, यहाँ से फ्लैशिंग बूट। उसके बाद आपको एक और कमांड टाइप करना, जो कि फास्ट बूट रिबूट टाइप करने के बाद आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा और आपका फ़ोन जो है रूट हो जाएगा। यहाँ से कर लेंगे फास्ट बूट रिबूट, आपको कर देना है फास्ट बूट रिबूट टाइप। उसके बाद कर देना है आपको एंटर पे क्लिक। देखिए मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ से रीस्टार्ट हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आप बिना कोई प्रॉब्लम के अपने फ़ोन को रूट कर लीजिएगा बिना कोई लैपटॉप बिना किसी पीसी के। पर आपको वीडियो मतलब इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, बिना कोई वीडियो का स्किप किए हुए। गाइस अगर आपका फ़ोन इस वीडियो से रूट नहीं हो पाया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कौन सा फ़ोन है, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो गाइस आज का वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आपके फ़ोन इस वीडियो से रूट नहीं हो पाता आप प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपके पास कौन सा फ़ोन है। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।